तो जैन बच्चों लेकर आ चुका हूं आप लोगों लिए एक डाउट क्वेश्चन। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास डाउट है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, फिगर है 14.37, तो इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, तो ए बी आपको साफ साफ ये दिख रहा है और सी डी आपको ये लाइन दिख रही है, ये दोनों क्या आपके पास पैरेलल है। उसके बाद हमसे कहा जाता है इसमें ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इफ ए डी सी इज 25 डिग्री, साफ साफ आपको ये भी दिख रहा है ए डी सी आपके पास 25 डिग्री लिखी हुआ है। वी हैव टू फाइंड ए ई बी, देखिए ए यहाँ है, ई यहाँ है और बी यहाँ पे, ए ई बी निकालना है अपने को, ठीक है। देखिए जिस भी एंगल को निकालना है नो डाउट हमारा टारगेट वही रहने वाला है, बट इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली वही एंगल फाइंड आउट कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन में तो खास करके अगर आपसे ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है तो ऐसा जरूरी नहीं है आप यही वाला एंगल निकालिए। आप ये देखिए इसी ये जो एंगल है वो और किस एंगल के इक्वल है, क्या मैं उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं साफ साफ आपको बताना चाहूंगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के रूल से आपको पता चलेगा ये वाले कोण से ये वाला एंगल बन रहा है, देख लीजिए, और इसी वाले कोण से ही ये वाला एंगल बन रहा है आपके पास, ये वाला भी एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और इनका जो रीजन होने वाला है वो होने वाला है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो भी दिक्कत है सही है, और अगर ये एंगल निकाल लूं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं आपको फिर से रेड कलर से दिखा देता हूं, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं या फिर ये एंगल निकाल लूं दोनों ही एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये एंगल मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा तो ये एंगल निकाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यही वाला एंगल निकालने का अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि एंगल ना उसी के चारों साइड इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वही काम मैं करने वाला हूँ, ऐसे ही लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। चलिए तो अब यहां से कैसे निकालेंगे वो चीज आपको बता देता हूँ। ये लाइन पैरेलल है, ये अगर 25 है तो नो डाउट ये एंगल भी आपके पास 25 डिग्री होने वाला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझ में आ गई की बात, ठीक है। उसके बाद इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, बताइए क्यों। तो आपको पता होना चाहिए एक सेमी सर्कल है, सॉरी एक सर्कल है आपके पास, ये कैसा सर्कल है भाई, गोल बनी नहीं रहा, ये सर्कल है आपके पास, और ये अगर आपके पास डायमीटर है तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बनेगा ना इस तरह से, और वो सेमी सर्कल का एंगल होता है तो 90 डिग्री का होता है। अब इसका क्या बेनिफिट मिला मेरे को, तो अभी बता देते हैं क्या बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिला कि ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 90 डिग्री होने वाला है, ये वाला एंगल 25 डिग्री होने वाला है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट में लगाऊंगा कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप समझिएगा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, आप समझिएगा यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। तो ये ऐसे गया, ये 90 है और ये एंगल कितना है 25, ये टोटल कितना हो गया 115 डिग्री, दोनों को ऐड करिए कितना हो गया 115 डिग्री, ठीक है। चलिए उससे भी पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, उससे भी पहले एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये 90 है तो ये 25 है, दोनों मिलाकर 115 होंगे, समझ रहे, 115। तो ये वाला कितना बच गया, 65 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये 25, ये 90 हो गया था, ये 90 हो गया था, तो ये कितना बच गया मेरे पास 65, समझ रहे हो ना। इसको ऐड करके 180 से माइनस कर दिया, 65 आ गया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, देखिएगा बार बार मिटा रहा हूँ हटा रहा हूँ मिटा रहा हूँ हटा रहा हूँ, ये वाला बन गया 65 डिग्री, ये 90 था और ये 25 आपको बताया कैसे, तो ये टोटल कितना हो गया 115 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 है तो ये वाला कितना बच गया 115 बच जाएगा, नो डाउट, समझ रहे हैं ना, 115 ये भी बच जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो नो डाउट चारों एंगल का सम कितना होगा, ये चारों एंगल का सम कितना होगा आपके पास 360। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 115 प्लस में 115 प्लस में 65, और चौथे एंगल को इस पूरे एंगल को एंगल डी पूरा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये एंगल पूरा डी, इसको एक्स मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 360। 115 115, 230 230 और 65 कितना हो गया 295, 295 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में से माइनस हो जाएगा 295, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 360 में से माइनस कर दो 65 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो एंगल निकला है वो कितना निकल कर आ गया 65 डिग्री। तो अब भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ 65 डिग्री की। तो 65 डिग्री का एंगल मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, देख लीजिएगा मैं पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना,
ट्रिंग यहाँ ये वाला ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करा था, तो ये पूरा एंगल कितना था आपके पास 65 का, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही निकालना था, सिर्फ इतना एंगल निकालना, देख लीजिए ए डी बी वाला निकालना ये वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे, तो 65 में से माइनस कर दीजिए 25, तो आपके पास कितना निकल कर आगे 40 डिग्री, सो द आंसर विल बी 40 डिग्री बाय हाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल एंगल्स इन द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इक्वल होंगे तो आपके पास 40 डिग्री ये है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो आपके पास था, तो उम्मीद है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।